बांका में मोसी प्रखंड के कपड़ा व्यवसायी 32 वर्षीय युवक का हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई। मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के नया गांव निवासी पूर्व मुखिया विजय कुमार मंडल का 32 वर्षीय बड़ा पुत्र यशवंत कुमार उर्फ पिंकू मंडल का रविवार देर रात हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हो जाने से प्रखंड क्षेत्र के व्यवसायियों में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि बीते 22 फरवरी को प्रखंड क्षेत्र स्थित कपड़े की दुकान गीता गारमेंट्स में यशवंत कुमार उर्फ पिंकू मंडल बेहोश होकर गिर गए थे, जिन्हें आनंद फानंद में परिजन और दुकान के कर्मियों ने डॉक्टर आर के सिंह के पास उपचार के लिए ले जाएगा, जहां पर उनका उपचार किया गया और बेहतर चिकित्सा के लिए भागलपुर भेजा गया। भागलपुर में उनका उपचार किया गया। हालत में थोड़ा सुधार होने पर यशवंत कुमार को पुनः घर वापस लाया गया, लेकिन हालात बिगड़ने के कारण 25 फरवरी को पुनः भागलपुर के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां पर 26 फरवरी को कोलकाता के रविन्द्रनाथ टैगोर अस्पताल में उन्हें भेजा गया था। आपको बता दें कि जहां हालत ज्यादा बिगड़ जाने के कारण 27 फरवरी को हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पार्थिव शरीर को नया गांव लाया गया, जहां पर परिजनों में कोहराम मच गया उनके शव को देखकर। उनकी पत्नी मुन्नी देवी का रो रोकर बुरा हाल हो गया। मालूम हो कि मृतक को 6 साल और 1 वर्ष का 2 पुत्र 4 वर्ष की 1 पुत्री भी है। वहीं बड़े पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद पिता पूर्व मुखिया विजय कुमार मंडल व माता गीता देवी सदमे में है। मालूम हो कि घर का कमाऊ बड़ा बेटा यशवंत कुमार ही था। इनको 3 बहन है जिनकी शादी हो चुकी है। एक छोटा भाई मिथिलेश कुमार के जिम्मे में अब घर की सारी जिम्मेदारी आ गई है। मृतक युवक अपने पीछे पूरा परिवार छोड़ गया है। आपको बता दें कि मृतक की खबर सुनते ही वर्तमान मुखिया उपेंद्र मंडल, मृतक के चचेरे भाई शशि कुमार शेखर, अशोक कुमार गुप्ता के साथ प्रखंड क्षेत्र के व्यवसायी उमाशंकर भगत, संजय भगत, जितेंद्र कुमार आदि लोगों ने पहुंचकर मृतक के परिवारजनों को सांत्वना दी।